अभी टोल प्लाजा पे आ गए हैं। भिवानी बता रहा है 103-4 और देखो कितनी देर में लगेंगे। अगर ये हाईवे निकलता रहा मिलता रहा ना ऐसा ही हाईवे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अप्रोच में से तो काफ़ी टाइम लगता है। अप्रोच में शॉर्टकट दिखा देता है ये कम किलोमीटर, मगर डिपेंड नहीं कर। के मारे ये क्या कर रहा तू? का क्या करेगा? क्या करेगा? समझ माओ तो बता दिए। बेकार में लापरवाही का नतीजा है। क्यों इसका थपड़ा ला रही मैं गोट बैठाने रहा हूँ? देख लो भाई मारी तो धनो या है चल रही है इतनी दूर जाया ही खाटू श्याम आंडे ही जा सके कोई। कितनी पुरानी हो रही है देखो 15 साल हो रहे हैं इसने। अगर है रुके भाई, हमारा शरारती दीपू बाइक चलाने की कोशिश कर रहा है, रेस तो दे ही दे रहा है। अभी तो हाईवे मिला पड़ा है, दबा के बाइक चल रही है और जल्दी भी पहुंच जाएंगे। हाईवे का ये फायदा है भाई, अगर अप्रोच से निकलेंगे तो टाइमिंग वैसे बताता है नॉर्मल, मगर लगता है ज़्यादा टाइम है। अगर हाईवे पे चलोगे तो पर्टिकुलरली 1-2 मिनट ऊपर नीचे या 5-10 मिनट ऊपर नीचे होती है, मगर पहुँच जाते हैं डिपेंड ऑन कैसे आप चला रहे हो। आगे देख ले नजारे तो इधर भी बहुत अच्छे है भाई। ये देखो रोड का क्या हो रखा है, ये इसलिए हो रखा है यह डिजाइन ही बना रखा है, जैसे बनी ना रोड तभी जल्दी हैवी व्हीकल आ जाते हैं ना बनते ही, और वो अच्छे तरह प्रिपेयर नहीं हो पाती सड़क, तो तब ही ऐसा डिजाइन हो जाता है। अब थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया, इसको करना नहीं था, बाइक के लिए तो बहुत परेशानी रहती है अगर बाइक चल रही है तो। मगर यहाँ मेरे को लग रहा है आगे पहाड़ी दिख रही होंगी आपको, तो यहाँ पत्थर वगैरह कट रहे हैं बजरी टुकड़ी के लिए, तो इसलिए यहाँ हैवी व्हीकलों का आना जाना लगा रहता है। तो ताज़ा ताज़ा सड़क बनी थी और ऊपर से हैवी व्हीकल जा रहे थे, दबा दिया इसको।
ये देखो सामने कैसी है रोड का शेप बना चुका है। बाकी अभी तक मैं जितना भी दिख रहा है ना मस्ती सीन दिख रहा है, नजारे देखो भाई राजस्थान में एक्सेप्ट। सच्ची आज जब मैं आने लगा था ना ये एक्सेप्ट नहीं किया था इतने अच्छे व्यूज मेरे को राजस्थान में मिलेंगे। मैं तो बस खाटू श्याम के लिए ही सोच के आया था कि खाटू श्याम जाएंगे और अच्छा लगेगा, मगर यहाँ से तो बस पूछो मत, मजा ही आ गया बहुत।